आ गया 20 सालों बाद करण कोमा से बाहर और प्रीता की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पर करण जो है वो कोमा से बाहर आ चुका है, तो वहीं प्रीता जो है अपनी याददाश्त पूरी तरह से जो है वो खो चुकी है। वहीं आपको राजबीर और शौर्य के बीच में डिफरेंसेस को भी जो है आपको आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ करण और प्रीता का होने वाला है दोस्तों आमना सामना। सारी की सारी चीजें किस तरह से होंगी, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले हिंदुस्तान न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही सारी की सारी बात। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, कोमा से पूरे के पूरे 20 साल बाद जो है यहाँ पर बाहर आने वाला है दोस्तों कोई और नहीं बल्कि करण। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहते हैं, प्रीता भी यहाँ पर हादसे से पहले अपना पूरा का पूरा याददाश्त जो है वो खो चुकी है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा शॉक लगा है रुद्राक्ष को बचाते बचाते। और वहीं आपको अब बताना चाहते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो बड़ा हो चुका है, राजबीर है रुद्राक्ष, और यहाँ पर राजबीर की माँ जो है सृष्टि बन चुकी है, वहीं मासी जो है प्रीता बन चुकी है। जहाँ पर राजबीर जो है छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशी ढूंढता है, वहीं शौर्य जो कि प्रीता का ही बेटा है वो भी पूरी तरह से बदल चुका है, और वो एक बिगड़ेल लड़का बन चुका है, शराबी बन चुका है और पूरी तरह से नशे में धुत रहने वाले लड़का बन चुका है। जहाँ पर प्रीता का प्यार जो है यहाँ पर अल्टीमेटली मिल रहा है राजबीर को, और अपनी याददाश्त खोने के बाद भी वो प्यार दे रही है, एक मासी की तरह जो है प्यार कर रही है, और उसके फट जाते हैं दोस्तों जूते, उस जूतों को जो है वो सिल कर पूरी तरह से संभालते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर शौर्य के सारे जूते जो हैं काफी महंगे जूते जो हैं पूरी तरह से यहाँ पर हैं ड्रॉ में, लेकिन भी उसे नए जूते चाहिए और वो इसी बात को लेकर इशू करता है लूथरा हाउस में। तो वहीं राखी माँ जो है उन्हें संभालने के लिए कहती है और उन्हें संभालते हुए नजर आती है दोस्तों। तो इस तरह से चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर जब कोमा से बाहर आएगा करण और जब वो प्रीता के सामने आएगा, तब तो बहुत सारी चीजें जो हैं उन्हें याद आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ कोमा से बाहर निकलेगा लेकिन उसकी याददाश्त जो है वो नहीं गई होगी, वहीं प्रीता की याददाश्त पूरी तरह से चल चुकी है। तो इस तरह से चीजें जो हैं अपकमिंग एपिसोड की आप सभी दर्शकों को जो है वो दिखाया जाएगा, और अब दोनों आमने सामने भी आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें आप सभी दर्शकों के सामने जो है वो खुलासा होने वाला, और वहीं बड़ी खाबिया वो भी आप सभी दर्शकों के सामने आएंगी। तो इस तरह से कहानी जो है अपकमिंग एपिसोड की आगे बढ़ने वाली है। कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड को आप देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले हिंदुस्तान न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें।